नमस्कार। ध्यान के इस सत्र में आज हम हास्य ध्यान करेंगे। जीवन में छोटी छोटी बातों में खुशी को खोजकर हंसी को स्वयं के भीतर जीवंत रखने का एक ध्यान अभ्यास। यह ध्यान 3 चरणों में विभाजित है। सबसे पहले हास्य को उत्पन्न करना और फिर उस हास्य की अनुभूति करना। दूसरे चरण में नृत्य करके हास्य की जो हमें अनुभूति हुई उसकी खुशी का आनंद व्यक्त करना। आप खड़े होकर या बैठे बैठे या केवल मन में मन के भीतर भी नृत्य कर सकते हैं। और तीसरे चरण में इस आनंद का उत्सव मनाना। शरीर को शांत और स्थिर अवस्था में रखते हुए शांति से आंखों को बंद कर दे और स्वाभाविक सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अब अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान ले आए। इस मुस्कान को स्वयं के होठों पर खिलने दीजिए। थोड़ा और अधिक इस मुस्कान को खिलने दें। थोड़ा और, जब तक इस मुस्कान को हम गालों के स्नायुओं तक खिलता हुआ अनुभव न कर ले तब तक इस मुस्कान को खिलने दीजिए। हमारी मुस्कान पूर्ण रूप से खिल चुकी है। अब धीरे धीरे यह मुस्कान हमारी आंखों तक व्याप्त हो जाएगी। समग्र चेहरे पर मुस्कान की अनुभूति होगी और जो धीरे धीरे हास्य का बीज अंकुरित करेगी। जब मुस्कान पूर्ण रूप से खिल जाए तब अपने मन को नाभि के चक्र पर ले जाए और धीरे धीरे स्वयं को शरीर के स्तर पर हंसाने का अनुभव दीजिए। जब हम शरीर को हंसाने का अनुभव नाभि चक्र के स्थान से देने का प्रयास करते हैं तब सहज ही खिली हंसी की अनुभूति होने लगती है। धीरे धीरे हंसी सोलार प्लेक्स तक व्याप्त होने लगेगी। और फिर विशुद्ध चक्र यानी कि गले से हंसी अभिव्यक्त होना शुरू हो जाएगा। हंसी की ध्वनि उत्पन्न होने लगेगी। आपकी मुस्कान अब हंसी में रूपांतरित हो चुकी है। धीरे धीरे यह खिली खिली हंसी की लहर पूरे शरीर में व्याप्त होने लगेगी। प्रत्येक अंग और अवयव, समग्र शरीर का अस्तित्व हंसने लगेगा। हंसी की ध्वनि यदि बढ़ती है तो बढ़ने दीजिए। मुक्त मन से स्वयं को हंसने की अनुमति दे दीजिए। स्वयं के व्यक्तित्व को, अस्तित्व को
हंसने दीजिए, खुल कर हंसने दीजिए। अगर हंसी केवल भीतर ही प्रकट हो रही है, बाहर नहीं ध्वनि आ रही है, तो कोई बात नहीं, उसे भी स्वीकार करें। किंतु रोम रोम में हंसी को खिलने जरूर दीजिए। कुछ समय इसी खिली खिली हंसी की लहरों में स्वयं को बहने दीजिए। अब दूसरा चरण शुरू होगा। दूसरे चरण में हमें नृत्य करना है। नृत्य हंसी के जैसे ही आनंद को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम। आप यदि आसन पर बैठे हैं तो अपने पैरों को जमीन पर रख दीजिए। आपका सीधा स्पर्श पृथ्वी तत्व से होने दे। पृथ्वी हमारी माँ है, धरती माँ, जिसकी गोद में इस वक्त उसकी संतान नाच रही है। और माँ धरती अपने संतान के स्पर्श से पुलकित हो रही है। नृत्य की अनुभूति करते रहे। तालबद्ध नृत्य हमारी आंतरिक ऊर्जा को भी लयबद्धता देती है। हमारे अस्तित्व और हमारी आंतरिक ऊर्जा का समन्वय यानी नृत्य। नृत्य की ऊर्जा को चरम सीमा तक पहुंचने दीजिए। नृत्य बनकर स्वयं ही नृत्य करते रहे। पूरी तरह से नृत्य में आप डूब जाएं। जब नृत्य की तृप्ति का अनुभव होने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता धीमी गहरी सांस लीजिए। अब आप चाहे तो सुखासन में कुछ समय बैठे रहे या शवासन में या मकरासन में लेट जाए और धीमी गहरी सांस लेते हुए कुछ समय विश्राम करें।